हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कंपैरिजन होने वाला है गाइस टू इंजन ऑयल्स का, जो कि एक है मोटुल का 7100 और गाइस दूसरा है टीवीएस का ट्रू फॉर सिंथेटिक, जो सेमी सिंथेटिक वाला ऑयल आता है, जो कि गाइस आप लोग को इजीली अवेलेबल हो जाता है 400 के रुपये में। तो भाई हम दोनों ऑयल का कंपेरिजन करने वाले हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट है, वो 800 रुपये का ऑयल है और ये 400 रुपये का। तो गाइस दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्राइस का मतलब डिफरेंस है, लगभग दो गुना महंगा मोटुल का 7100 आता है। तो गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि दोनों ऑयल्स में गाइस क्या डिफरेंशिएट है। तो आप लोग को इतना तो पता ही होगा गाइस कि दोनों ऑयल में से सिंथेटिक वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट यार मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला हूँ अच्छा और बुरा, बट आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्यों आप लोगों को गाइस सिंथेटिक ऑयल डलवाना चाहिए या क्यों नहीं डलवाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ना गाइस जो TVS का 2-4 सेमी सिंथेटिक ऑयल आता है, तो गाइज वो ना गाइज आप लोगों को किसी भी 110 से लेकर 150 सीसी तक की बाइक्स के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, और जो सिंथेटिक ऑयल रहता है वो आप लोगों को 200 सीसी से कम की इंजन में डालना नहीं चाहिए मेरे रिकमेंडेशन में, अगर आप लोगों का बहुत लंबा टूर नहीं है। तो सबसे पहली बात करते हैं जो TVS का ऑयल है उसका फ़ायदे की बात, तो भाई वो माइलेज उसकी ज़्यादा ही निकाल के देगा किसी भी उसमें डाल लो आप, माइलेज उसकी ज़्यादा है इसके मोटुल के 7100 से लेकर, क्योंकि गाइज मैंने अभी भी आप लोगों को यार क्लिप दिखा देता हूँ, आप लोगों को वीडियो में इंसर्ट हो जाएगी। तो भाई मैंने दोनों ऑयल्स डाले हुए हैं और दोनों ऑयल्स में मैं लगभग 5,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि दोनों ऑयल कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूँ यार कि ये जो इंजन ऑयल है ना गाइज, दोनों के दोनों इंजन ऑयल, इन दोनों में से आप लोग को 7100 किन लोगों को डालना चाहिए सिर्फ ये बताता हूँ। तो उन्हीं लोगों को 7100 डालना चाहिए जो कम से कम कॉन्टीन्यूसली 200 किलोमीटर लगातार चलाने वाले हैं। इससे कम की टूर पे आप लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा, ना इंजन पर फ़र्क रहेगा, बिकॉज यार जो इंजन में जो स्टेन्स रह जाते हैं वो सेमी सिंथेटिक ऑयल पे भी बिल्कुल नहीं रहते, भले आप लोग कितना हीटअप कर लो। दूसरी चीज़ गाइज, अगर आप लोग TVS की गाड़ियां हैं तो TVS में आप लोगों को पता होगा इसमें टैपेट की साउंड आती है इंजन से, तो यार उसके वो वाइब्रेशन भी पैदा करता है, तो वाइब्रेशन को कम डेफिनेटली करता है यार 7100। मैं कहूँगा कि 70% आप लोगों की जो वाइब्रेशन है उसको कम कर लेगा ये, और जो इसका 2-4 सेमी सिंथेटिक ऑयल है ना गाइज उसके सबसे बड़ी फ़ायदा है वो है कॉस्ट में कम पड़ता है। दूसरा चीज़ है आप लोग उसको जल्दी से जल्दी चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो सस्ता है इसलिए, और दूसरी चीज़ है गाइज हमारे पास जो माइलेज है, माइलेज उसकी ज़्यादा ही है, 2-3 की माइलेज ज़्यादा निकालता है, बट ये वाला 7100 इंजन ऑयल है ना गाइज ये माइलेज 2-3 की कम निकालता है। साथ में गाइज इसका प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोगों का अगर इंजन ठंडा है, क्योंकि यार उसका 10W30 और इसका 10W30 में गाइज आप लोगों को सामने पता लग जाएगा फ़र्क कि ये वाला ज़्यादा गाढ़ा ऑयल है और उस वाला जो TVS का ऑयल है वो काफ़ी पतला दिखता है, जिसकी वजह से यार ठंड में ना गाइज कहीं ना कहीं आप लोगों को परफॉर्मेंस में लैग दिखेगा ही दिखेगा उस सिंथेटिक वाले ऑयल से। तो मेरी रिकमेंडेशन में तो यही है कि गाइज आप लोग जो सेमी सिंथेटिक ऑयल है उसको डालो और हर 2500 किलोमीटर पे चेंज कर दो, जबकि आप लोग सिंथेटिक डालने के बाद आप लोग 4000 किलोमीटर पे चेंज करोगे, उससे अच्छा आप सेमी सिंथेटिक को 2500-3000 में चेंज कर दो, वो आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। बाकी यार सिंथेटिक ऑयल उन्हीं के लिए जो यार 200 किलोमीटर से लंबी ट्रिप करने वाले हैं, जो कि लंबी से लंबी ट्रिप होने वाली है। और दूसरी चीज़ है कि जिनको इंजन से नॉइस नहीं चाहिए, इंजन से नॉइस भाया करनी है, तो भाई आप लोगों को सिंथेटिक ऑयल डालना ही पड़ेगा, वो मोटुल का 10W40 डाल दो या 10W30, दोनों में से कोई भी इंजन ऑयल डाल सकते हो, इंजन की आवाज़ 70% चली जाएगी। तो भाई यार आज की वीडियो में इतना ही था, तो मेरा रिकमेंडेशन में तो यही रहेगा कि गाइस आप लोग कंपनी जो रिकमेंड करती है उसको डालो, क्योंकि यार वो चीप रिकमेंड करती है और आप लोगों को ज़्यादा पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे। तो गाइस इतना ही था आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।